तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक बहुत ही खुशी की खबर सामने निकल कर आई है कि मिजोरम को यहाँ पर 3-2 से पिट कर 13वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में यहाँ पर झारखंड जो है वो पहुँच चुकी है। चलिए उसी को लेकर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं और बाकी आप हमारी चैंपियन टीम को यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की महिला हॉकी टीम ने यहाँ पर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर से फाइनल में यहाँ पर झारखंड ने मिजोरम को यहाँ पर पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। गौरतलब है कि 27 जून से 7 जुलाई के बीच उड़ीसा के राउरकेला में आयोजित यहाँ पर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप झारखंड का अब तक का प्रदर्शन जो है उसमें शानदार रहा है। क्वार्टर फाइनल में यहाँ पर तय समय तक झारखंड और मिजोरम में से कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है और यहाँ पर पेनल्टी शूटआउट से मैच का परिणाम निकला है। झारखंड ने पेनल्टी शूटआउट में मारे हैं 3 गोल। तो क्वार्टर फाइनल में यहाँ पर पेनल्टी शूटआउट में झारखंड ने 3 गोल दागे, वहीं मिजोरम की टीम केवल 2 गोल ही दाग सकी। झारखंड की ओर से रजनी क्रिकेटा, निशा मिंज और निक्की कुल्लू ने यहाँ पर गोल किया, वहीं बिनामा धान और प्रमोदनी लकड़ा गोल नहीं कर सकी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें खेल देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि महिला हॉकी टीम का शानदार रहा प्रदर्शन। गौरतलब है कि हालिया घरेलू टूर्नामेंट में झारखंड की महिला हॉकी टीम का यहां पर प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतरीन रहा है। झारखंड की लड़कियां जो है वो कई मजबूत टीमों को हराने में कामयाब रही हैं। झारखंड में महिला हॉकी उठते कद का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी जैसी कई खिलाड़ी यहाँ पर टीम इंडिया के महत्वपूर्ण सदस्य भी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक गर्व का पल है। जोहार।